अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इल्म की दुनिया में आप सबको खुशामदीद। दोस्तों, हाल ही में कुल्लुस उस्मान का एक शानदार ट्रेलर जारी किया गया और आज हम इसी ट्रेलर के बारे में बात करेंगे। ट्रेलर के अंदर दिखाया जाता है कि उस्मान बे एक नकाबपोश इंसान को मार देते हैं, लेकिन क्या वो आदमी इब्राहिम अल फकी यानी के मास्टर आडियस है या फिर कोई और है? और अगर ऐसा है तो उसका इख्तिताम सीरीज से इतनी जल्दी क्यों कर दिया गया और उस्मान बे ने एक इंसान को उसका चेहरा देखे बिना कैसे मार डाला? दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे गद्दारों के हाथमे के हवाले से। क्या कुल्लुस उस्मान सीरीज के अंदर मास्टर आडियस के हाथमे को दिखाया जाएगा? और अगर ऐसा हो जाता है तो उस्मान गाजी का सिर्फ और सिर्फ एक ही दुश्मन बच जाता है और उस दुश्मन का नाम है निकोला। लेकिन दोस्तों, अगली किस्त के अंदर ऐसा होता हुआ बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा, क्योंकि अगर उस्मान बे ने मास्टर आडियस को मारा होता तो उस्मान बे उसका चेहरा लाजमी देखते। इसके अलावा इतने बड़े दुश्मन का इख्तिताम इतनी आसानी के साथ दिखाया नहीं जा सकता। दोस्तों, ट्रेलर में दिखाया जाने वाला ये मंजर मास्टर आडियस की चाल भी हो सकती है, जैसा कि उसने खुद बताया था। ये भी हो सकता है कि किसी और इंसान को मारकर उस्मान बे ने यह समझा हो कि उसने अपने दुश्मन को खत्म कर दिया है। दोस्तों, इसके अलावा अभी तक कॉर्नेलिया ने भी अपना मुंह नहीं खोला और अगले एपिसोड में भी ऐसा नहीं लगता कि कॉर्नेलिया अपना मुंह खोल देगी। और ऐसा भी लगता है कि बार्कन बे या फिर मास्टर आडियस में से कोई एक कॉर्नेलिया को मार देगा, ताकि वो उन दोनों में से किसी का भी राज फाश ना कर सके। मास्टर आडियस की हकीकत मालूम होने के बाद उस्मान बे उसके खिलाफ खुलम खुला जंग का ऐलान कर देंगे और मुमकिन है कि एनागोल की फतह के दौरान मास्टर आडियस के साथ साथ निकोला का भी हाथमा कर दिया जाए। इसके अलावा एनागोल की फतह के बगैर भी मास्टर आडियस का हाथमा दिखाया जा सकता है। इसके अलावा सालतुक बे और बुरान एल्प के किरदार को भी एनागोल की फतह के अंदर पूरा पूरा दिखाया जाएगा। हत्ता के अब तक सालतुक बे के किरदार को बहुत ही कम दिखाया गया है, लेकिन तारीख के मुताबिक सालतुक बे का उस्मान बे की तमाम फतवाहत के अंदर बहुत ही अहम किरदार रहा है। लेकिन दोस्तों, ये भी मुमकिन है कि पहले जिस तरह बहुत सारे किरदारों को खत्म किया गया है, इन दोनों किरदारों को भी आगे चलकर खत्म कर दिया जाए। लेकिन फिलहाल इस सीजन के अंदर इस तरह का कोई भी सीन आगे दिखाई नहीं दे रहा। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या ख्याल है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। मजीद इस तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। अब मैं आपसे मिलूंगा इंशाल्लाह एक नई और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।